की रात तहसील पुलिस द्वारा की जा रही पेट्रोलिंग के तहत पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री कर रही एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे 1,80,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर तहसील पुलिस मंगलवार की रात कश पर थी, जिस तरह उन्हें एक ऑटो संशयास्पद अवस्था में दिखाई दिया। जब पुलिस ने ऑटो को रोकने का प्रयास किया तब ऑटो चालक ने वहां से भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बड़ी ही बहादुरी से ऑटो चालक को धर दबोचा। ऑटो चालक से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने सभी गुनाहों की कबूली की और पुलिस ने आरोपी से कुल 1,80,000 का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। माननीय पुलिस आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार काल रात्री आमच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल लक्ष्मण शेंडे, हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद शनिवारे व त्यांचे पथक दारू जुगार करता पेट्रोलिंग करीत असताना रात्री 10:30 वाजताच्या सुमारास भानखेडा पिवळी शाळेजवळ त्यांना एक संशयास्पद ऑटो दिसला। त्यांनी तो ऑटो थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना कट मारून ऑटो उजव्या साईडने पळायला लागला। त्यावेळी हेड कॉन्स्टेबल लक्ष्मण शेंडे आणि त्याच्यासोबत असलेले प्रमोद शनिवारे यांनी पथकासह ऑटोचा पाठलाग करून पकडला असता ऑटोमध्ये पुलिस ने इस मामले में 28 वर्षीय लालगंज छाड़ी चौक स्वीपर कॉलोनी निवासी सोनू सेलोकर को गिरफ्तार किया और इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।